नमस्कार, मैं सीपी नागा, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज हम इस ई लेक्चर में रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, दिष्टकारी प्रकार उपयंत्र के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट एसी वोल्टेज और करंट, रेक्टिफाइंग एलिमेंट और पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मेजर करता है। ये इंडस्ट्री में काफ़ी यूज किए जाते हैं। ये डायनोमीटर उपयंत्रों की तुलना में सस्ते होते हैं और उनके जितने ही एक्यूरेट होते हैं। इनकी सुग्राहिता सेंसिटिविटी अन्य उपयंत्रों से ज़्यादा होती है। एमआई और डायनोमीटर टाइप उपयंत्रों से लगभग 50 गुना इनकी सुग्राहिता ज़्यादा होती है। जैसा कि पहले पढ़ा था, पीएमएमसी टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एमआई टाइप या अन्य उपयंत्रों की तुलना में अधिक सेंसिटिव और एक्यूरेट होते हैं, इसलिए इस पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट का इसमें प्रयोग करते हैं। इसमें यह था कि पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट केवल डीसी में काम में ले जाते थे, अब इसको एसी में काम में लेने के लिए क्या करते हैं, एक ब्रिज, फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ब्रिज का इनपुट एसी होता है और आउटपुट डीसी होता है, तो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट डीसी पे काम करेगा। ये फुल वेव रेक्टिफाई ब्रिज है और ये पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट है। अब इसमें देखते हैं कि ये जो बोल्ड एरो का जो निशान है वो पॉजिटिव साइकिल के लिए है और डैश एरो का निशान नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए है। पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल में जो करंट की डायरेक्शन है वो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में सेम रहेगी, वो देखते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये यहाँ से आएगा इस डायोड के थ्रू, ये पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में, और यहाँ से ये आउट। तो इसकी डायरेक्शन ये रही पीएमएमसी टाइप में, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ से आएगा पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में, वही डायरेक्शन आ गई जो पहले आई थी, और यहाँ से ये बाहर चला जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि पॉजिटिव साइकिल हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल हो, इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में एक ही रहेगी, समान रहेगी। और पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट की जो स्केल होती है, जैसे पहले पढ़ा था, यूनिफॉर्म टाइप की होती है, क्योंकि ये ब्रिज है, रेक्टिफाई ब्रिज है फुल वेव, तो इसका आउटपुट डीसी होगा। अब इसमें देखते हैं कि जो पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट है वो हमेशा एवरेज वैल्यू को दर्शाते हैं, जबकि जो रेक्टिफाइड टाइप के इंस्ट्रूमेंट है उनमें आरएमएस वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है। एसी के लिए आरएमएस वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए जो एसी के लिए जो इसका रेशियो होता है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का, जो फॉर्म फैक्टर होता है 1.11, उससे इस स्केल को 1.11 टाइम्स अधिक इसको कैलिब्रेट कर देते हैं। तो ये एसी की डायरेक्ट आरएमएस वैल्यू में ये रीडिंग दिखाएगा। इन उपयंत्रों के लिए ये जो यहाँ पे ये ब्रिज सर्किट है, ये डायोड है, इसकी जगह कॉपर ऑक्साइड सेलेनियम सेल और डायोड में जर्मेनियम डायोड और सिलिकॉन डायोड काम में लेते हैं। इनकी अलग अलग पीआईवी जो वैल्यू है, पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू, कॉपर ऑक्साइड की 2 वोल्ट होती है लगभग, और इसकी करंट जो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी लो होती है। ऐसे सेलेनियम सेल की जो पीआईवी होती है वो 10 वोल्ट होता है, और इसकी भी लो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए आजकल इनको कम काम में लेते हैं। अधिकतर डायोड टाइप के रेक्टिफायर ब्रिज काम में लेते हैं। जो जर्मेनियम डायोड है उसकी पीआईवी वैल्यू 300 वोल्ट और करंट हैंडलिंग कैपेसिटी 100 मिली एम्पियर, और सिलिकॉन डायोड की 1000 वोल्ट पीआईवी वैल्यू होती है और 5000 मिली एम्पियर
इसकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी होती है, जबकि जर्मेनियम की 100 mA होती है। तो अधिकतर ये जो डायोड्स है वही इसमें काम में लेते हैं। और जैसे वोल्टेज या करंट PMMC से मेजर करते थे, वैसे AC में इसको जहाँ कनेक्ट करते थे जैसे मेजर करने के लिए, वो ये दोनों सिरे वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अमीटर या वोल्टमीटर की तरह इसको, ये अगर अमीटर करंट मेजर करना है तो यहाँ पे जो अमीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे PMMC का अमीटर, और अगर वोल्टेज मेजर करना है तो यहाँ वोल्टमीटर लगाएंगे। ये ब्रिज दोनों में लगेगा और इसका जो ये इनपुट है, जो भी वोल्टेज या करंट मेजर करना है वहाँ लगा देते हैं। अगर करंट के लिए इसको CT की जो सेकेंडरी होती है उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों टर्मिनल को CT की सेकेंडरी और वोल्टमीटर के लिए PT की सेकेंडरी पे कनेक्ट होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। जो PMMC टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उसकी विशेषता ये रहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि केवल उसको DC में ही यूज़ किया जा सकता है। अब उसको AC में यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, उस AC को पहले DC में चेंज कर लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। तो इस रेक्टिफायर से DC में चेंज हो गया और फिर उसको मेजर कर लिया। धन्यवाद।